स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू, बच्चों आज आपको लेसन 3 व्हाट आर दे डूइंग के बारे में बताएंगे। इज अमित सेलिंग बुक्स? नो, ही इज नॉट सेलिंग बुक्स, ही इज बॉइंग द न्यूज़पेपर। इसका अर्थ देखिए बच्चों, इज अमित सेलिंग बुक्स, क्या अमित बुक्स को बेच रहा है? नो, ही इज नॉट सेलिंग बुक्स, वह बुक्स को बेच नहीं रहा है। सेलिंग माने क्या होता है? बेचना। बुक्स माने किताब होता है। ही इज बॉइंग, बाई माने खरीदना, तो ही इज बॉइंग द न्यूज़पेपर, वह न्यूज़पेपर को खरीद रहा है। इज आरती रीडिंग अ बुक, क्या आरती बुक को रीडिंग कर रही है? नो, सी इज नॉट रीडिंग बुक, वह बुक को रीडिंग नहीं कर रही है। सी इज डूइंग हर होमवर्क, अपनी होमवर्क को पूरा कर रही है। इज रमेश ड्रिंकिंग वाटर, क्या रमेश ड्रिंकिंग वाटर कर रहा है? नो, रमेश इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, रमेश वाटर को ड्रिंकिंग नहीं कर रहा है। इज ड्रिंकिंग मिल्क, वो मिल्क को ड्रिंक कर रहा है। इज नीता गोइंग टू मार्केट, क्या नीता मार्केट जा रही है? नो, सी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा रही है। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। आर द स्टूडेंट्स वॉकिंग, क्या बच्चे वॉकिंग कर रहे हैं? नो दे आर नॉट वॉकिंग, वे वॉकिंग नहीं कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल को खेल रहे हैं। इज द गर्ल्स ओपनिंग द विंडो, क्या लड़कियाँ विंडो को ओपनिंग कर रही हैं? यस, सी इज ओपनिंग द विंडो, वे विंडो को ओपनिंग कर रही हैं। तो बच्चों आज आपका लेसन 3 कंप्लीट हो गया। इसका रीडिंग भी करा दिए, इसका मीनिंग भी बता दिए। इसको आप लोग जो है रिवीजन करिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन भेजेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।